हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यमुनानगर के ईएसआई कोविड केयर सेंटर से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके मरीज की जान ले ली, लेकिन कैसे और क्यों और ये बड़ा आरोप अस्पताल प्रशासन पर क्यों लगाया जा रहा है, ये जरा सभी चीजें समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये पूरा दरअसल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं और ये हंगामे की तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां ईएसआई कोविड अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। दरअसल मरीज की मौत हो जाती है और ये बड़ा कारण इसके पीछे माना जाता है कि लापरवाही वहां पर की गई और मरीज की देखरेख नहीं की गई, उसको इलाज नहीं दिया गया, इसी वजह से उस मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने वहां पर जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि उनके 42 साल के मरीज को कोरोना था और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली गई। लेकिन इस सब चीजों को लेकर के क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है और अभी मौजूदा वक्त में क्या अभी इस सब को लेकर के मरीज के परिजनों का कहना है, अस्पताल प्रशासन आखिर इस पर क्या दलील दे रहा है, जरा वो सभी चीजें समझ लेते हैं। सुमित ओबेरॉय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है, मरीज के परिजनों का इस पर क्या कहना है और ये कहा जा रहा है कि जो उनका मरीज था वो कोविड पेशेंट था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन उसको वहां पर इलाज नहीं मिल सका, वहां उसकी देखरेख नहीं की गई और इसी वजह से उसकी जान चली गई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देर रात का ये मामला है, एक सहदेव नाम का मरीज जिसकी 42 साल की जो उम्र बताई जा रही है, उनके परिजनों का ये आरोप था और उसी को लेकर जो है जब उसकी मौत होगी तो वहां पर कोविड अस्पताल में परिजनों के द्वारा हंगामा भी किया गया। परिजनों का ये आरोप था कि जब ट्रॉमा सेंटर से ईएसआई अस्पताल जहां पर कोविड सेंटर बनाया गया है वहां पर जब रेफर किया गया था मरीज को, तो पहले वहां पर जो है कुछ देर पहले काफी देर तक जो है एम्बुलेंस ट्रामा सेंटर से कोविड अस्पताल में लाई, वहां पर देरी हुई और उसके बाद जब उस मरीज को लेकर परिवार वाले कोविड अस्पताल में पहुंचे तो वहां पर स्ट्रेचर नहीं मिला और काफी लंबा समय लग गया। और जब ऊपर उस मरीज को ले जाया गया कोविड सेंटर के अंदर तो वहां से एक अस्पताल द्वारा कहा गया कि यहाँ नहीं, इसको केयर पार्टनर में रेफर किया जाएगा। तो इसी बीच जो है जब उनको नीचे लाया गया तो उनका एक अपने जो है दम तोड़ दिया और अगर उस जो दो घंटे की वो बात कर रहे हैं उस समय उसको इलाज मिल जाता तो शायद उस मरीज की जान बच सकती थी। और इस मामले में जब हंगामा हुआ तो पुलिस भी वहां पर पहुंची और कोविड अस्पताल के जो इंचार्ज थे उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया जी अस्पताल है वहां पर जो है पेशेंट जो बेड थे वो फुल हो चुके थे और ये जो मरीज था इसकी हालत ऐसी थी कि इसको जहां पर जरूरत थी और वेंटिलेटर केयर पार्टनर ने लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं सुमित से। लेकिन यहां पर जो अभी तक बात समझ में आ रही है वो ये कि आप चक्कर कटवाए गए और इसी वजह से जो दो घंटे का समय वहां पर खराब हुआ, जो पेशेंट कोविड पेशेंट माना जा रहा था उसको पहले शिफ्ट कर दिया जाता है और जब उसको ईएसआई अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो वहां पर उसको बेड ना होने की वजह से वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी क्योंकि वहां पर पेशेंट पहले से ही थे तो इस वजह से उसको वहां पर जो है सही और सुचारू रूप से इलाज नहीं मिल पाता है और इसी सब की देरी की वजह से ही उस मरीज की जान चली जाती है। और हमारे साथ मृतक के परिजन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे ही समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त और क्या क्या चीजें घटी और अस्पताल प्रशासन को लेकर के जो आरोप लगा रहे हैं क्या आपके आरोप हैं और आपका कहना क्या है इस पूरे मामले को लेकर। मुझे सुन पा रहे हैं आप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन अभी फिलहाल इस सब चीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हंगामा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल यही कि आखिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की जान चली गई है, आखिर ये सब कुछ आरोप क्यों लगाया जा रहा है, जरा एक रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। लापरवाही ने ली मरीज की जान, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप,
परिवार को दौड़ाता रहा विभाग। हंगामे की ये तस्वीरें हैं यमुनानगर के ईएसआई कोविड अस्पताल की, जहां एक मरीज के परिजनों ने उसकी मौत के बाद जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके 42 साल के मरीज को कोरोना था और डॉक्टर की लापरवाही ने मरीज की जान ले ली। वो समय पर अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रशासन उन्हें बस चक्कर काटने में लगाता रहा। अगर समय पर इलाज मिलता तो उनके मरीज की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनको टाइफाइड, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत थी। मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनको ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे थे। ट्रॉमा सेंटर से उन्हें ईएसआई रेफर किया गया। ईएसआई रेफर करने की बात जब आई तो पहले एम्बुलेंस एक घंटा दरवाजे बंद करके खड़ी रही। मरीज एक घंटे तक एम्बुलेंस में परेशान रहा और जब कोविड अस्पताल पहुंचे तो एक घंटे तक कोई स्ट्रेचर नहीं मिला। परिवार का आरोप है कि इलाज में देरी के चलते उनके मरीज की मौत हो गई। यहाँ पर लेकर आए जी, एक घंटे तक कोई स्ट्रेचर लेकर नीचे नहीं आया। नीचे वाले कह रहे ऊपर वाले आएंगे, ऊपर वाले कह रहे नीचे आएंगे। मैडम तक को बोला नहीं, नीचे बैठी थी लाइव वीडियो। मैंने कहा मैडम कहाँ है हमारा पेशेंट, मर जाएगा तब लेके आओगे क्या? ठीक है जी, ऊपर लेकर गए, ऊपर उनको कूलर के आगे लिटाया, आराम से उठे कूलर के आगे लिटाया जी, उनको ऑक्सीजन लगाई। एक मिनट हुआ था, पीछे से डॉक्टर आया, कह रहा इनको यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ जगह नहीं है। मैंने कहा वो तो आपका यहाँ स्वास्थ्य विभाग देखेगा ना, यहाँ क्यों भेजा, या तो पहले वही भेजते। परिजनों ने इससे पहले लापरवाही का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रशासन के रवैये के बारे में बताया। भाई ये कोरोना वार्ड, और कोरोना वार्ड के अंदर हमारा पेशेंट 30 मिनट से बाहर खड़ा हुआ है। सारों ने ड्रामे कर रखे हैं यहाँ पर, ऊपर वाले कह रहे वो आएंगे, नीचे वाले कह रहे वो आएंगे। अगर कुछ हो जाता है मरीज को, सांस की इतनी दिक्कत आ रही है, बताओ क्या कर लोगे आप? दोनों पेशेंट सीरियस है, एक हमारे है एक इनके, बड़ा बुरा हाल कर रखा है। ईएसआई हॉस्पिटल यमुनानगर के अंदर इन्होंने 30 मिनट से मैं यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि चलो हमारा पेशेंट जाएगा, सांस की इतनी दिक्कत हो रही है, सांस ली नहीं जा रही, और ये कर रहे हैं ड्रामे यहाँ। अगर इनके पास बेड की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ क्यों लेके आए? इन्होंने ड्रामा लगा रखा है, खुद जान के लोगों को मार रहे हैं। हालांकि बवाल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अनूप गोयल का कहना है कि उन्होंने मरीज की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया था, जहां मरीज को कार्डियक अरेस्ट आ गया और ईएसआई रेफर कर दिया। ईएसआई में बेड्स फुल होने के कारण थोड़ी शिफ्टिंग में जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे पास फोन आया, मैंने बोला मैनेज करो, और इस पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए, केयर पार्टनर में अरेंजमेंट करा दिया, सब कुछ ऊपर से सेटल करके ठीक ठाक नीचे भेजा। एम्बुलेंस में मिस हैपनिंग हुई, कार्डियक अरेस्ट हो गया नीचे आने के बाद, और तब तक वहां जा नहीं था ये, क्योंकि सैचुरेशन पहले 60% थी, तो ये कारण हो सकता है। हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि इस मामले में जिसकी भी कमी रही होगी उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी लापरवाही कैसे की जा सकती है जो एक मरीज की जान ले ले। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। तो लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली और साथ ही साथ आरोप अब अस्पताल प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं कि आखिर जब वहां पर बेड की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर पहले से ही बेड्स फुल थे, तो आखिर क्यों वहां पर रेफर किया गया, आखिर क्यों वहां पर उन पेशेंट्स को भेजा गया जब पहले से ही वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं करने की वहां पर उम्मीद नजर आ रही थी। तो आखिर वहां पर दो पेशेंट्स, आप इस एम्बुलेंस को देखिए, इस एम्बुलेंस के अंदर दो पेशेंट्स थे, जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर जो मरीज के परिजन थे वो बता रहे थे कि आधे घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात का कि कोविड पेशेंट, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो जो परिजन हैं, उनको वहां से निकाल करके अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा, वहां उनकी देखरेख की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन क्या कुछ उस वक्त स्थिति थी, जरा एक बार फिर से हमारे साथ ऑनलाइन पर जो मरीज के परिजन हैं वो जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि कारण क्या रहे हैं, जब आप ईएसआई अस्पताल पहुंचे यमुनानगर के, तो वहां पर क्या हुआ था, क्या आपने देखा? सर ट्रॉमा सेंटर से हम वहाँ ईएसआई हॉस्पिटल गए जी यमुनानगर के। सर वहाँ पर ऐसा हुआ है 45 मिनट्स लगभग गाड़ी वहीं पे खड़ी रही, एम्बुलेंस दरवाजे मैंने खुलवाए, अंदर इतनी गर्मी हो
होती है, वैसे इतनी गर्मी हो रखी है इस टाइम और पसीने पसीने हो रखे थे। मैंने उनको बोला कम से कम दरवाजे तो खोल लो, 45 मिनट्स हो गए, डॉक्टर कोई नहीं आया, ना कोई वहां का कोई कर्मचारी आया। वो कह रहे ऊपर से आएगा स्ट्रेचर, व्हील चेयर ऊपर से आएगा, वो ऊपर वाली बोल रही नीचे से आएगा, बस यही करते रहे सर 45 मिनट्स। नहीं, लेकिन उसके बाद हाँ। मैं सर, मैं मोहित वर्मा, मेरे मामा जी थे, एक व्यक्ति आता है सर, जब मैंने लाइव वीडियो बनानी शुरू करी, देन उसके बाद सर, उसके बाद एक व्यक्ति आता है स्ट्रेचर लेकर, वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, आप मेरे को कृपया कोरोना वार्ड को ऊपर तक लेकर जाओ, इनको अपने मामा जी को। तो सर मैं खींच कर लेकर जा रहा हूँ, बताइए इनके पास स्टाफ भी नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है कि इनको ये ऊपर तक ले जाए। वैसे तो कोरोना कोरोना से नॉर्मल लोगों को दूर रखने की हिदायत दे रहे हैं और ये परिजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मोहित उसके बाद जब आप लेकर के गए तो वहां ये कहा जा रहा है कि शिफ्टिंग को लेकर एक बार फिर से नीचे भेज दिया जाता है पेशेंट को और वापस से एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यहां पर तो अव्यवस्था नहीं है, यहां पर पहले से ही बेड जो थे वो फुल हो चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहा गया था आपसे? जाते ही कोई डॉक्टर नहीं सुनवाई कर रहा है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बेड पे लिटाया, ठीक है सर, बेड पे लिटाने के बाद सर मैंने डॉक्टर को बुलाना चाहा, वो कह रहे डॉक्टर उधर है, मैं कोरोना वार्ड में गया डॉक्टर को लेकर आया, क्योंकि सर हमारे परिजन थे हमसे परेशान होते हुए नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जब सर जब 45 मिनट्स नीचे तड़पते रहे तो ऊपर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं डॉक्टर को खुद लेकर आया, डॉक्टर ने बोला कि यहीं पे सिलेंडर लगा दो, इनको सिलेंडर नहीं खोला सर, ऑक्सीजन सिलेंडर पहले जी, ठीक है सर, देन फिर वो कह रहे ऊपर ले जाओ, ऊपर बेड खाली है सर, ऊपर लेकर गए उनको, मैंने खुद ऑक्सीजन लगाए, ठीक है सर, उनको बेड पे लिटाया, कूलर का मुझे साइड किया, वो कहते मेरे को अब अच्छा फील हो रहा है, मेरे को यहीं पे लेटने दो, थोड़ी देर रिलैक्स होने दो। तो देन उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर आते हैं ऊपर से, डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपके अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा सर ये पहले बताना चाहिए था ना, 3 घंटे से तड़प रहे हैं, पहले ट्रॉमा सेंटर यमुना। लेकिन लेके क्यों जाएं, कारण क्या था, क्यों लेके जाए? मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप या तो पेशेंट से पूछे, ज्यादा सीरियस है तो आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। मेरे पेशेंट ने, हमारे मामा जी ने बोला कि मेरे को यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, अभी मुझे थोड़े रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, मेरे को बेटर फील हो रहा है, मुझे इतनी समस्या नहीं है, मुझे यहीं रहने दो। बट लेकिन सर ये नहीं माने, इन्होंने सुखदेव के नाम की मुझे कोई पर्ची पकड़वा दी, बोला कि केयर हॉस्पिटल चले जाओ। सर बड़ी मुश्किल से मेरे मामा जी को मैंने स्ट्रेचर पे दोबारा लिटाया, ऑक्सीजन हट गई सर उनकी, ठीक है सर। देन उसके बाद जब मैं नीचे आया, जैसे ही सर मैं नीचे आया, नीचे आते ही मैंने उनको एम्बुलेंस में लिटाया, मैंने एम्बुलेंस वाले को पर्ची दी, मैंने कहा केयर हॉस्पिटल जाना है, उन्हें सर केयर हॉस्पिटल का ही नहीं पता था ये केयर हॉस्पिटल है का। सर मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से सबको दिखाया, मैं डॉक्टर को ढूंढता रहा कि केयर हॉस्पिटल कहाँ है, नीचे के स्टाफ से पूछा केयर हॉस्पिटल कहाँ है, एम्बुलेंस वाला पूछा है केयर हॉस्पिटल कहाँ है, बट सर किसी ने हमें जवाब दिया कि केयर हॉस्पिटल कहाँ है। और मेरी लाइव वीडियो में ही सामने मेरे मामा जी को, जब मैंने एम्बुलेंस वाले को पूछा कम से कम ऑक्सीजन तो लगा दो ही, नहीं उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, उनको हल्का सा हिलाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर मेरे सामने ही दो झटके लगे, उनकी डेथ हो वही एट दी स्पॉट। मोहित लेकिन ये शिफ्टिंग को लेकर के जो कोविड केयर सेंटर की बात की जा रही थी, ये आखिर क्यों वहां पर शिफ्ट करने की बात की जा रही थी? ईएसआई में आखिर दाखिल जब उनको करने के लिए बोला गया था, वहां पर रेफर किया गया था। ऐसा लगता है सर, मुझे ऐसा लगता है कोई ना प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई पेशेंट आया था, किसी की अप्रोच आई थी सर ईएसआई में शिफ्ट करने के लिए, सर उसके लिए किया गया, हमारे पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को नीचे भेजा गया और उसको ऊपर बुलाने की कोशिश की जा रही थी सर, ये हुआ है। इसकी वजह से हमारे पेशेंट की डेथ हो गई, इसकी वजह से, और स्टाफ इतना गलत बिहेविंग, जो वहाँ के अनूप जी हैं, हमारे पेशेंट की डेथ होने के बाद कहते तुमसे जो होता है तुम कर लो, लाइव मीडिया वहाँ पर, सारी मीडिया ऐसी उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीजों को साफ किया है, क्या उस वक्त हुआ था और क्यों आखिर डॉक्टर्स के ऊपर जो लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, आखिर वो क्यों लग रहे हैं, कारण क्या थे, वो सभी चीजें आपने बताई हैं, बहुत आंखों देखा आपने हाल बताने की कोशिश की है। लेकिन अब जरा सवाल यही उठता है कि आखिर वहां से पेशेंट को जब, क्योंकि यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, तो वहां से भी एक बार फिर से उस मरीज को रेफर करने की बात क्यों की जाती है, कारण क्या था, जरा वो भी जानेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई और आखिर इस सब के पीछे कौन है, किसकी लापरवाही और अब इसको लेकर के एक्शन क्या होना चाहिए, समय पर आखिर इलाज क्यों नहीं मिला है। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर दिखाया जा रहा है कि एक जो मरीज इलाज के लिए जाता है, अस्पताल तक पहुंचता है, उसके परिजन क्योंकि जब कोई नहीं होता है साथ में, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा होता है, लेकिन उस वक्त भी वहां पर स्टाफ कम होता है, परिवार के लोग ही वहां से ले जाकर के कोविड सेंटर तक, जो उस वहां अस्पताल के अंदर जो रूम बने हुए हैं वहां तक लेकर के जाते हैं और परिवार के लोग ही जाते हैं। ये देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है, जब एक तरफ ये कहा जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको कोविड केयर सेंटर में शामिल जो लोग होते हैं या मरीज होते हैं उनसे दूरी बनाए रखनी होती है, इसलिए बकायदा उनको मिलने तक नहीं दिया जाता है परिवार के लोगों से, तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के भीतर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लापरवाही किसी रूप में तो हुई है और इस पर क्या एक्शन होगा फिलहाल वो भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। ये यमुनानगर का मामला है सर, कोविड केयर सेंटर जो ईएसआई का अस्पताल है वहां पर एक शख्स को रेफर कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है, उसको एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं निकाला जाता है और उसके बाद जब अस्पताल में उसको अंदर लेकर जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर उसको वापस से भेज देते हैं, कहते हैं कि यहां पर अब और मरीजों को नहीं लिया जा सकता है, वो दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं, तो ऐसे में इस दौरान उस मरीज की मौत हो जाती है। अब परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सर हमें तो ये कहा गया था कि उस अस्पताल ले जाइए, हम वहां ले गए, हमें रेफर कर दिया गया था हमारे पेशेंट को, तो अब वहां ले गए तो वहां पर भी हमें रेफर कर दिया गया, तो अब जाए तो जाए कहां और इसी दौरान उस मरीज की मौत हो गई। देखिए सर, इस बारे में ये तो जांच का विषय है कि जिस हॉस्पिटल से रेफर हुआ तो उसका मतलब उनके पास वो सुविधाएं नहीं होंगी जिसके कारण से उसको जरूरत थी, लेकिन अगले हॉस्पिटल में जहां गया वहां वेंटिलेटर खाली था नहीं था, यदि खाली नहीं था तो वो भी व्यवस्था है कि वो नहीं रख सकते इसको, लेकिन उसके बावजूद यदि वेंटिलेटर हुआ और उन्होंने ये नेग्लिजेंसी दिखाई है तो उस पर एक्शन होगा 100%। नहीं सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी, अगर अगर वहां पर वेंटिलेटर भी खाली नहीं था तो पहले से ही अगर रेफर कर रहे हैं किसी भी अस्पताल में तो वहां कम से कम ये चीजें तो देखी जाएंगी ना कि अगर वहां पर व्यवस्था ही नहीं है या वहां पर बेड नहीं है तो पहले से ही देखा जाएगा। आपने रेफर कर दिया वहां पर, फिर से वहां पर बेड खाली नहीं है या फिर वहां पर वेंटिलेटर खाली नहीं है तो फिर से वहां पर भेज दिया गया, तो उस दौरान जो जो बहुत सीरियस कंडीशन में मरीज है वो तो उसकी दौरान तो खतरे में आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो जब रेफर करने की स्थिति तभी आती है जब वो उनके कंट्रोल से बाहर की स्थिति होती है, तभी दूसरे हॉस्पिटल में गए। जी ये विषय ये है कि उन्होंने जहां रेफर किया उनसे बातचीत की कि नहीं की, और फिर उन्होंने भी तीसरे हॉस्पिटल के लिए लिखा तो वहां भी उन्होंने बातचीत की कि नहीं की, ये दो विषय जो है ये जांच के हैं। निश्चित रूप से ये नेग्लिजेंसी जिस स्तर पर भी हुई है या वो डॉक्टर बता पाएंगे, उनको भी आपको लाइन पर लेना चाहिए एक बार, लेकिन इसके बाद मैं भी एक बार बात करूंगा कि यदि आपने पहले तो पहले डॉक्टर ने ही जहां से कोविड सेंटर से ईएसआई का जो हॉस्पिटल था उन्होंने रेफर करते समय संबंधित आसपास के हॉस्पिटल से बात करनी चाहिए थी कि इस क्रिटिकल पोजिशन में हम किस हॉस्पिटल उनको रेफर करें जहां उनको सुविधा मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए या जो भी उनको लगता है कि ये चीज की जरूरत है। तो पहली स्थिति तो ईएसआई हॉस्पिटल की ही है कि उन्होंने बातचीत नहीं करके वो सीधा ही रेफर कर दिया, लेकिन गाइडलाइंस क्या है ये भी एक बार देखना पड़ेगा कि गाइडलाइंस क्या है, उनको रेफर करना चाहिए था किसको या उनसे बात के बगैर उसको कर देना चाहिए था, ये एक विषय है, इसके ऊपर बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं ऐसी स्थिति अब रोज रोज बढ़ेगी क्योंकि हरियाणा स्तर पर भी केस रोज रोज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये खतरा कम नहीं हो रहा आने वाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये जो स्थिति है, जनता से भी मैं आपके माध्यम से बात करूंगा कि जितने हल्के ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना को ले रहे हैं कि किसी के पास मास्क नहीं, किसी के पास वो सोशल डिस्टेंसिस नहीं, ऐसे बहुत लापरवाही लोगों के अपने स्तर पर भी चल रही है, ठीक है, तो इस पर भी अपना इस पर ध्यान रहेगा, लेकिन लोगों को जब ऐसी स्थिति आई गई तो फिर सरकार और डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उचित स्वास्थ्य सेवाएं उसको उपलब्ध कराई जाए। ठीक है,
ठीक है, ये पूरे सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। खैर सत्यव्रत जी आप हमारे साथ बने रहिए, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत जल्दी से मैं जरा आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं कि यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल के भीतर जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है, लेकिन अब ऐसे में परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि अगर समय वहां पर जाहिर नहीं किया जाता, डॉक्टर्स की टीम वहां पर यदि सही समय पर वहां उनको ट्रीट करने लगती, वहां उनकी देखरेख होती और सिर्फ रेफर का खेल नहीं चलता रहता, तो शायद उनके परिवार के जो जो लोग थे, जो परिजन थे उनके, उनकी मौत नहीं होती, उनकी जान नहीं जाती। सुरेश जी पहले तो ये बड़ा गंभीर विषय है और राजनीति से उठकर हम इसमें सरकार से मांग करते हैं जनता की तरफ से कि सरकार को अविलंब अभी तक जो जिला रवैया से हुआ है या सही ढंग नहीं है, कहीं पर डॉक्टरों की लापरवाही है या प्रशासन की है, तो इन चीजों को छोड़कर अभी भी सूद लेनी चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। राजनीति करने का विषय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है पक्ष को भी करता। हम सरकार से दोबारा यही कहना चाहेंगे जनता की तरफ से, प्रदेशवासियों ने जो विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा निकला हुआ है। अगर हमारी बात ये सच नहीं है तो अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए इससे जवाब दें कि उनके मुख्यमंत्री को श्री मनोहर लाल खट्टर को विधानसभा में क्यों जाना पड़ा। इससे होता है कि 6 साल के अस्पताल में मनोहर लाल खट्टर सरकार एक भी हॉस्पिटल से ऐसी सुविधाओं उपलब्ध नहीं करा पाई जिसमें तो खुद मुख्यमंत्री अपने टेस्ट करवा लें। इससे ये पैमाना है प्रदेश की जनता को, आप कैसे इतनी जनता को आप कैसे विश्वास जीत सकते हैं या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं तत्परता के साथ, उनको रजिस्ट्रेशन करा के एडमिट करके कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं जब आप मुख्यमंत्री को टेस्ट कराने के लिए किसी भी हॉस्पिटल को इसके योग्य नहीं समझते। तो जनता भी समझती है, हम भी समझते हैं, इससे प्रत्यारोप और आरोप लगाते रहे उससे बात नहीं बनती। फिर भी ये कहेंगे जहां विपक्ष की मदद की जरूरत है आप लीजिए, लेकिन आप अविलंब इस स्थिति से इस प्रदेश को निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरा जवाब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जरा। जनता तो आपको 5 साल आने के बाद देखेगी, भगवान भी माफ नहीं करेगा इस भयानक। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत जी। ये क्योंकि इससे पहले भी अस्पतालों के भीतर कोविड केयर सेंटर के अंदर क्या क्या तस्वीरें थी, चाहे वो खाने को लेकर हो चाहे दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर हो, कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। और इसको लेकर इससे पहले भी हम कई कार्यक्रमों के जरिए तस्वीर दिखा चुके हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा चुके हैं। यानी कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि आने वाले समय में क्योंकि स्थितियां, क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहा है तो खतरा अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में अब यहां अस्पतालों के भीतर की व्यवस्था को बनाए रखना ये बेहद जरूरी है। खतरा टला नहीं है, खतरा तो अब शुरू हुआ है जी, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में कोविड पेशेंट आ रहे हैं रोज रोज में, तो वो सरकार और समाज दोनों के लिए चुनौती है। और मैं इस विषय में कोई राजनीतिक तौर पर कोई बयान नहीं दे रहा और न ही मैं कांग्रेस प्रवक्ता को गलत कह रहा, लेकिन ये बात ठीक है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधा के लिए है और उनको प्राइवेट में भी, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्राइवेट में भी जाना पड़े तो लूट नहीं चलेगी, उसका निश्चित जो पैमाना तय किया वही मिलेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जाए या कोई सामान्य पेशेंट भी जाएगा प्राइवेट में, तो भी उनके साथ वो बात नहीं होगी कि उसकी लुक कसूट हो जाएगी। इस बात की हम चिंता कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको के माध्यम से मैं पुनः एक बार हरियाणा की जनता से प्रार्थना करूंगा कि गंभीर स्थिति हो रही है, रोज ज्यादा गंभीर स्थिति होती जाएगी रोज रोज, हम सबको अपनी उचित दूरी, क्योंकि इसका इलाज किसी के पास नहीं है और मैं हमारा ही नहीं, हरियाणा सरकार का नहीं, भारत सरकार का नहीं है, दुनिया में अभी एक रूस ने वैक्सीन जारी की है, उनकी अपनी सीमित व्यवस्था है, हम भी बहुत आगे तक बढ़ गए लेकिन जब तक ठीक है लगातार इसमें भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है हमें बहुत हद तक एहतियात बरतना होगा। लेकिन यहाँ सर सरकार को भी ये थोड़ा सा देखना होगा, नजर बनाना होगा कि जहाँ जहाँ अस्पतालों में कुछ कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि जो परेशानी और जिस उम्मीद के साथ जनता जाती है अस्पतालों में वो उम्मीद ना टूटे। खैर सर बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, सुरेश रोड जी आप भी कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जो सवाल थे वो उठाने के लिए। लेकिन लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई, लेकिन देखना यही है कि आने वाले समय में अस्पतालों के भीतर की इन व्यवस्थाओं को कब तक दुरुस्त किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।